हाँ बोलो। यार अब तुम ऐसे जान छुड़ाने वाले अंदाज में बात करोगी मुझसे? शुक्र करो कि मैं तुमसे बात कर रही हूं। अच्छा ऐसा है तो फिर फोन रखूं, मैं पहले जाके शुक्राने के नफल पढ़ाता हूँ। हेलो, ये तुम्हारा दिल है या मेरा? मेरा कुचल दो ऐसे भी अपने पैरों के नीचे, शायद इसी तरह तुम्हें करार आ जाए। क्या खाक करार आएगा, मेटल का बना हुआ है। चुन चुन के तस्वीरें डिलीट करूंगी मैं इसकी, बस नारे लगाने आते हैं लड़कों को मोहब्बत के। अरे नारे भी कहाँ ठीक से लगाने आते हैं इनको। आप क्यों हंस रहे हैं अब्बा मियाँ? नो समझ रही, हमने कोई उल्टी पट्टी पढ़ा दी तुम्हें? उनका अपना दिमाग उल्टा है। माना कि तुम हमारी सबसे प्यारी और अक्लमंद बच्ची हो। ये सिर्फ आप ही को लगता है अब्बा मियाँ। ऐसा करो तुम फौरन नंबर ब्लॉक कर दो उस नकली रोमियो का। उससे क्या होगा? अरे होगा ये कि जो 4 दिन में फैसला नहीं कर सका ना, 4 घंटे में फैसला कर लेगा बच्चू। हालांकि है तो हमारा ही बच्चा, मगर छोड़ना नहीं। बच्चा नहीं है वो, बच गए मेरे हाथ से। इतने बड़े बड़े दावे कर रहा था और निकले चला कारतूस। अच्छा तुम परेशान ना हो ना, हम तुम्हारे साथ हैं बस। वेरी गुड अब्बा जी, वेरी गुड। और ना आप इसको शहद है, आसमान को टाकी लगा के आएगी, पूरे शहर में बल्ले बल्ले कराएगी और खानदान में हमारी नाक कटवा देनी है इसने। अरे बल्ले बल्ले तो वैसे ही हो रही है कि देखो लड़की जो है कैसे माँ बाप के साथ खड़ी हुई है। पता नहीं मैं क्या बात करने के लिए आई थी, कोई काम था मुझको। आप लोगों का ये मोहब्बत फिल्म का ना सीन देख के मेरा दिमाग ही पुट्ठा हो गया। नारे मारेंगे। अब तो लगता है नंबर ही ब्लॉक कर दिया उसने मेरा। कॉफी पियो यार, सुने कॉफी पीने से ब्लॉक दिमाग में ब्लॉक हो जाते। इस कॉफी की तरह कड़वी हो चुकी है मेरी जिंदगी। इस कड़वेपन का जो मजा है ना, फील करो। बांजे बड़ा छक्का मारा है हमारी मानो ने। छक्का नहीं मारा, मेरे छक्के उड़ा दिए आपकी माँ जी ने। क्यों, मरीख में घर बसाने की फरमाइश कर दी उसने? आप खुद ही सोचें कुकू मामू, लोग क्या कहेंगे मुझे? क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कितनी अच्छी तरबियत की है माँ बाप ने, अपने बीमार सास ससुर के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। बात तो आप ठीक कर रहे हैं, तो आप दे देना ये कुर्बानी। हाँ क्यों नहीं, करने का मान जाए। किस बारे में? लेता एक बात बताओ, अगर हम दोनों शिफ्ट हो जाए ताया ताई के घर तो हम कैसे हो सकते? सुन लिया जवाब, ये फर्क है दोनों बहनों में। जरा सोच, जो इतनी अच्छी बेटी हो वो कितनी बेहतरीन बीवी साबित हो सकती है। मामू बच्चे बहुत अटैच है अपने दादा दादी से, वरना मुझे तो कोई इशू नहीं है। कुछ भी कहो, मेला ते लुट लिया साड़ी मानो ने।